भाजपा का झंडा लहराएंगे और भाजपा का झंडा कराएंगे। इसी क्रम में दूसरे खड़े हो, दूसरे बड़े नेता हमारे इस नगर के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। 15 वार्ड है, 15 वार्ड में नौजवान, शिक्षित नौजवान, संगठित नौजवान, अनुशासित नौजवान दिखाई देंगे। ऐसी नई घोषणा हुई है युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष के रूप में नवीन विश्वकर्मा जी, उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मुझे विश्वास है दोनों युवा मोर्चा के अध्यक्ष अपने नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, भाजपा के अंदर युवा दिखाई देगा और भाजपा की नई तरुणाई एक नए काम को एक नए सोपान पर लेके जाएगी। परिवार हमारा बढ़े इसलिए हम निरंतर 18 साल से जो नौजवान हम मतदान करने के लिए अपनी सूची में शामिल हो रहे हैं उनकी सदस्यता करेंगे और इस परिवार को बढ़ाएंगे, एक अच्छे परिवार का निर्माण करेंगे और अंत्योदय की विकास को धारा को अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पालक नेता आदरणीय कुलस्ते जी, आदरणीय दुर्वे जी और हम सभी के इस परिवार के प्रमुख आदरणीय अवधराज गिलैया जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्षों का तिलक लगाकर आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। बैठक में जैसा कि अपनी एक परंपरा है हमारे पालक नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि दोनों बड़े नेताओं का और हमारे भाजपा पंडाल के मुखिया आदरणीय जिलाध्यक्ष जी अवध जी का, हमारे डिंडौरी जिले के पालक नेता गिरीश जी का जो है और भगवा कंजा भेज जिले के महामंत्री हैं क्या? जिले के महामंत्री भाजपा के जिलाध्यक्ष आदरणीय अवध जी का स्वागत करें, अभिवादन करें। भाजपा हमारा एक परिवार है, तो इस परिवार में दायित्व का परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान समय में उनके निर्देशन पर हम निरंतर काम करेंगे, अपने संगठन की विचारधारा को प्रगति की ओर लेकर जाएंगे। नेता पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय कमल भैया का इस नगर के अध्यक्ष नवीन जी स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। स्वागत संपूर्ण परिवार का स्वागत है, ऐसा हम मानते हुए स्वागत के इस क्रम को यही विराम करते हैं। अरे हो गया, जितने भाजपा युवा मोर्चा की इस बैठक में आए प्रत्येक नौजवान जो पहली बार घर बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं वो हमारे भाजपा परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। आप भाजपा परिवार के अंग हैं, भाजपा की चिंता करना आपकी बात ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी चिंता करना भाजपा की जिम्मेदारी है। हमारा एक दूसरे के साथ निरंतर संबंध है, भाजपा के पक्षधर के साथ आपका पक्ष है और भाजपा के पतन के साथ आपका पतन है, इसलिए भाजपा का झंडा हमेशा लहराता रहे। भाजपा की सरकार इसके लिए हम सबको चिंता करना है, हमको अपनी पोलिंग में अपने क्षेत्र में झंडा गाड़ना है, इसलिए हम आज संकल्पित होकर इस संकल्प के साथ अपने विचारधारा का काम प्रारंभ करेंगे। मैं भाजपा युवा मोर्चा के नवीन जिलाध्यक्षों दोनों का स्वागत हेतु और तिलक लगाने हेतु आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु दोनों जिलाध्यक्षों के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। दोनों जिलाध्यक्ष सभी वरिष्ठों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, मंडल अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष दोनों सभी वरिष्ठजनों से स्वागत, कोई भी वरिष्ठ छूट ना पाए इस बात का ध्यान रखना, सभी वरिष्ठों के आशीर्वाद की जरूरत है। मिलना भी है रहेंगे नवीन नवीन अटो थोड़ी ऐसा है।
मोबाइल है निशान। आप अपना मोबाइल सबसे पहले निकालो, सब अपना मोबाइल ऑन करो। नंबर आ गया तो जब नंबर आ गया तो अब सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य साथ सब है, सारे एड्रेस वगैरह सारा सब हो गया मोबाइल से। इसलिए जिनका नंबर नहीं आया मोबाइल तो दोबारा कर देंगे। परंतु ऐसे कार्यकर्ता आप सब हाथ उठाए जिनने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, आप अपना मोबाइल हाथ में लेकर के आप हाथ उठा। और ऐसे सभी कार्यकर्ता मोबाइल से ले लेकर हमारे नगर के अध्यक्ष है नरेंद्र जी और दूसरा नगर का नवीन जी, इनके ओर से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ऐसा प्रयोग किया है, इस बार हमने 100 दिन पहले हमारे मध्य प्रदेश में आने वाले महीनों में चुनाव होंगे और चुनाव के दृष्टि से इस विधानसभा सैपुरा के लिए हमारे जो उम्मीदवार है अधिकृत उम्मीदवार भाई ओम प्रकाश जी को अब पूरे ताकत से सभी कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे और चुनाव को जीतना है। अपने गांव में, पंचायत में, मोहल्ले में, वार्ड में, जहां जहां हमारा काम ऐसे सब। और इसलिए मैं आज केवल सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप सबने युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष और हमारे मंडल के अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष को भी बधाई देता हूँ कि आपने युवा जो हमारे नए मतदाता हैं उनको आपने जोड़ा है, युवा मोर्चा में जोड़ा है, युवा साथियों को जोड़ा है। एक काम जरूर हमको अभी आप लोगों को करना है, नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए 11 सितंबर तक फिर अभी निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए समय अवधि बढ़ाया, पहले 1 तारीख तक समाप्त हो गए, अभी 11 दिन पड़ गए। तो 11 तारीख तक अगर कोई नए मतदाता है, युवा है, कोई छूट गया तो आप अपने एरिया के अंदर देख लें, हमारे जो भी BLA हमारे 2 है BJP की ओर से, BLA 1 आपके उस मतदान केंद्र के अंदर जो पंचायत या मतदान के जहाँ भी जैसी व्यवस्था है जिन गाँव के अंदर, वहाँ पर उनका प्रवास, उनके जो फार्मेट हैं ऑनलाइन भी कर सकते हो। 11 सितंबर लास्ट डेट है और इसलिए ऑनलाइन भी नाम जोड़ने की व्यवस्था है, वो आपको पूरी फॉर्मेलिटी बताएंगे। तो ये काम और हमको अभी 10 दिन के लिए करना है। एक महत्वपूर्ण जानकारी है सबको, 6 तारीख को हमारे दूसरी जो यात्रा मध्य प्रदेश में ऐसे 5 स्थानों में से, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई, दूसरी यात्रा 5 तारीख को मंडला राजराजेश्वरी जो मंदिर है मुआना साम्राज्य का, जहां पर हमारी देवी है देवी, वहां से ये यात्रा प्रारंभ होगी 5 तारीख को। वहां पर अमित शाह जी आ रहे हैं, अमित शाह जी उस यात्रा को हरी झंडी दिखा करके यात्रा को प्रारंभ करेंगे। हमारे इसे सैपुरा के अंदर 6 तारीख को शाम के यहाँ पर ये यात्रा पहुँचेगी। आप सबसे निवेदन है कि पूरे युवा मोर्चा, अभी मुझे बताया गया आप देखेंगे कितने नौजवान हैं हमारा युवा मोर्चा के अध्यक्ष, पूरे प्रारंभ से लेकर के ये एक रिक्वेस्ट हुआ है जहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी माने हमारे अमरपुर मंडल, वहाँ से वहाँ के कार्यकर्ताओं को बाइक रैली से, फिर आपका समनापुर, फिर आपका बाड़ासरी बाजार जो मंडल है, फिर वहाँ से इंदौरी आगे ऐसा जो बूथ है उस आधार पर जो मंडल बाइक रैली उनको हमारे जो दुपट्टा है, कैप है, जो भी व्यवस्था है
इन सबको प्रोवाइड करा के यात्रा के साथ में आप लोगों को अपने गांव के अंदर से जहां जहां यात्रा गुजरेगी वहां से स्वागत का भी कार्यक्रम होगा। कुछ स्थान जहाँ पर सभा होगी, रथ सभा, कुछ ऐसे जो गांव के हमारे पड़ेंगे वहां स्वागत का कार्यक्रम होगा, साथ में आप लोगों को भी चलना है। तो इस प्रकार की पूरी व्यवस्था हुई है। कोशिश करें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, जितने हमारे जो 7 मोर्चा हैं इनका भी अलग अलग स्थानों में जहाँ जहाँ ये जो रथ सभा है या सभा है या जैसे ये नगर हमारा यहाँ पर होगी तो ऐसे नगर के वहाँ 7 हमारे मोर्चाओं का अलग अलग ऐसे पंडाल रखते हैं, छोटा पंडाल और स्वागत और उसमें एक अपना बैनर ताकि पता चले युवा मोर्चा का है, महिला मोर्चा, आदिवासी मोर्चा या एससी मोर्चा, कोई भी मोर्चा है, किसान मोर्चा, ये कम से कम इतना बैनर उसमें लगे और उनकी मंडली की व्यवस्था करके स्वागत ताकि एक माहौल ऐसा पूरे शहर के अंदर बने, लोगों के लगना चाहिए। तो आपके यहाँ शाम के यात्रा आएगी, सभा होगी और रात्रि विश्राम यहाँ पर है 6 तारीख। दूसरे दिन जब यात्रा का जो भी निर्णय होगा 7 तारीख को उसके बारे में बताइए, परंतु 6 तारीख तक मैंने 6 को हमारे सैपड़ा में बड़ी यहाँ पर सभा होना है। तो इसलिए आप सब से मैं निवेदन करता हूँ, ये सब काम छोड़ करके हमको अपनी तैयारी, पूरी योजना, सूचना तंत्र, आईटी के जो बच्चे हैं जो इसमें लगे हैं आपके उनकी टीम को इसमें लगाइए। सभी ग्रुप के अंदर इसका प्रचार प्रसार योजनाओं के बारे में, लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना है, आवास योजना है, जितने प्रकार के योजना सरकार ने दिया है, संबल योजना, ये ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में आईटी का जो उन्होंने डिजाइन किया हुआ है आ जाएगा। इसको एक एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में ऐसा पूरा एक माहौल पंचायत तक बन जाएगा। ये इस प्रकार की व्यवस्था हम सबको करेंगे, जितना आप इससे जुड़ करके वातावरण को बनाएंगे, गांव में चर्चा होगी तो एक माहौल बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा होगी, मुख्यमंत्री जी के बारे में चर्चा होगी, प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में चर्चा होगी। तो इस प्रकार का ये पूरा हमको एक माहौल करना है। इसलिए मैं पुनः एक बार आप सब इस पार्टी के साथ में युवा मोर्चा के लिए जुड़े हैं, मैं आप सबको पूरे पार्टी की ओर से आप सबको बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, हर हर जिंदाबाद। पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे सांसद, भारत सरकार के मंत्री सदस्य जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला के अध्यक्ष और हमारे भैया जी और हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे संस्थापक सदस्यों में से भारतीय जनता पार्टी इंदौरी और मंडल आदरणीय कमल अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता ज्ञान जी त्रिपाठी जी, भैया मनोहर जी के सम्मानी गिरेश जी का भूले गया था, आप ऐसे हमारे प्रभारी हैं वहाँ के सिरोही के वरिष्ठ नेता है, प्रदेश कार्यक्रम के सदस्य हैं, अनेक भाई भैया मनोहर जी ने, मनोहर ठाकुर ने, संतोष साहू ने, बाबा ठाकुर ने, हमारे नगर पंचायत की अध्यक्षा प्रियंका जी, हमारे महिला मोर्चा के कार्यकर्ता धीरे जी, हमारे बीच में माननीय नगर पंचायत क्या बता दिया जनपद पंचायत की